ओके तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन सी, ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पार्टनरशिप फर्म इज़ ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो ट्रेडिंग करता ही है, तो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट। आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, आपने सम्स किए होंगे ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम, है ना। तो इनकम और एक्सपेंस जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है वो जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल होता है, ना कि रियल। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड इज कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, अब समझ लो पहले कैरेज क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय कैरेज, कैरेज मतलब होता है भाड़ा। ठीक है, कहाँ का भाड़ा, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या होता है, परचेज। तो काय का भाड़ा होता है कैरेज, ट्रक टेम्पू से हम माल मंगाते हैं ना। जो देखो कहीं पे भी अगर आप माल परचेज करोगे तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, सॉरी आपको माल तो अपने गोडाउन में या फिर अपने ऑफिस में अपने मतलब अपने शॉप पे लाना ही पड़ेगा। तो जब अपने शॉप पे माल लाओगे तो उड़ा के तो लेके आओगे नहीं, है ना, उसको ट्रक या टेम्पो में डाल के लाओगे। तो ट्रक या टेम्पो में जब डाल के लाओगे तो उसका भाड़ा भरोगे, उसको क्या बोलते हैं, कैरेज। ये समझा। इन मतलब क्या होता है, माल का अंदर आना। आउट मतलब होता है माल का बाहर जाना। तो अगर कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो कैरेज ऑन सेल होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है, कैरेज इन। इन मतलब परचेज, तो ये कैरेज ऑन परचेज बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ओके, अगला है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड। यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड। देखो कैपिटल मेथड दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है फिक्स, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब हम अप्लाई करते हैं फाइनल अकाउंट में, तो करेंट अकाउंट हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, और जब हम फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करते हैं तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। क्योंकि क्या होता है बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो वो कौन सा मेथड हो गया, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन यहाँ पे तो ऐड नहीं करना है ना हमें फिक्स कैपिटल मेथड में, तो इसके लिए हमें क्या ओपन करते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अभी नेक्स्ट क्या है, पांचवा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी। देखो एक्सपेंस है और अगर आपने पहले से ही पे कर दिया तो ये एसेट्स होता है, इतना याद रखो। ये क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स, और यहाँ पे क्या दिया, लायबिलिटी। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगला क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड, पता है ना पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसकी बात हो रही है। इज साइलेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन टू दियर कैपिटल। तो अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताया हुआ ये क्वेश्चन, कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो पार्टनर्स जो प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे वो शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, क्या होगा, इक्वल, कैपिटल के रेशियो में नहीं होगा, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, मतलब एसेट्स लायबिलिटी वो सब शो करता है। तो ये कोई अकाउंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अगला है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो बार बार होता है। मशीन हम बिजनेस में बार बार खरीदते हैं क्या, नहीं। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। तो मशीन पे वेजेस जो पे करते हैं वो रेवेन्यू नहीं होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फॉल्स है। फिर अगला है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। यस, दिस इज ट्रू। इनकम अगर आपको एडवांस में मिलता है, एडवांस मतलब क्या होता है, प्रीपेड, तो वो पक्का है कि लायबिलिटी होता है। तो यस, दिस इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ओके, अगला क्या है, आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स। आपको पता होना चाहिए क्रेडिटर्स पे आरडीडी क्रिएट नहीं करते, किस पे करते हैं, डेटर्स पे करते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करेंट एसेट्स. यस दिस इज ट्रू. ठीक है, डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो फिक्स एसेट्स पे कैलकुलेट करते हैं, करेंट एसेट्स पे कैलकुलेट नहीं करते हैं. ठीक है, अगला है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट. यस इट इज ऑल्सो ट्रू. गुडविल कौन सा एसेट्स है? इनटेंजिबल एसेट्स है. ठीक है, ओके ये हो गया. तीन क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं. देखो तो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. आपको पता होना चाहिए जब ट्रेडिंग जब आप फाइनल अकाउंट सीख रहे थे स्टार्टिंग में तभी आपको बताया गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में. तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, अगला है बैंक लोन इज करेंट लायबिलिटी. बैंक लोन जो होता है ना वो करंट लायबिलिटी नहीं होता है. वो बैंक लोन जो होता है ना हम लोग है ना दो या चार दिन के लिए या महीने दिन के लिए नहीं लेते, ज़्यादा समय के लिए लेते हैं. तो वो क्या होता है, ज़्यादा मतलब लेट तक के लिए लेते हैं, तो फिक्स लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी होता है. ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखो ये क्या है, फॉल्स है. ठीक है, जब आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक लोन जो होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है. तो ये करंट लायबिलिटी है तो ये फॉल्स हो गया. नेट प्रॉफिट इज़ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आया मतलब क्या होगा, एक्सपेंस ज़्यादा है. और जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा इनकम से, आपको पता है ना कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस. क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम. तो अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होके क्या होगा, लॉस होगा. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है. ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझा होगा. वीडियो आप लोग भी देखो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो. ठीक है, और बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है, थैंक यू, चलो बाय.